हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछला वीडियो देख के हमारे कुछ छात्र ने बताया था कि सर आपकी दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन क्या करें, लॉकडाउन का भी पालन करना है। तो लॉकडाउन का पालन करते हुए थोड़ा सा नए सर के पास भी जाने से डर लगता है, अपने से तो सेव करते नहीं है, गरीब आदमी है, धीरे धीरे से ही हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, फिर हमारे मानस पूर्णिया वाले छात्र हमको फोन करके कुछ बोल रहे थे। पिछला क्लास में हम इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो डाले थे, फिर उसके बाद एक दिन का गैप हो गया, जैसा कि रीजन आपको हम बताए थे, 45 सेकंड का वीडियो डाले हैं, उसको देख लीजिएगा, उसमें रीजन हम बता दिए हैं क्या रीजन था। आज हम पढ़ाएंगे ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस, ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला शुरू करने के पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जय गुरु जय महाकाल। और वेलकम टू द फ्लुएंट फिजिक्स ट्यूशन सेंटर। जय गुरु जय महाकाल। सबसे पहला क्वेश्चन है ओम्स लॉ। ओम का नियम, देखिए सबसे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ओम के बारे में जान लें। ओम रहने वाले थे जर्मनी के, जर्मन, इसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने सन 1828 ईस्वी में इस नियम के बारे में बताया था। हालांकि किसी किताब में देखिएगा, कोई कोई किताब 1826 भी दिया हुआ है, लेकिन 1828 सही है। अब इन्होंने क्या नियम दिया था हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे, जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 ईस्वी में किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें उत्पन्न विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित करंट के संबंध में एक नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखिएगा, ओम के अनुसार पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। इंग्लिश में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखेंगे, जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन
ओम हैड गिवन द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस potential difference and flowing current between potential difference and flowing current in a conductor which is known as ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम अकॉर्डिंग टू ओम पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to the flowing is directly proportional to the flowing current to the flowing current across the ends of the conductor at constant temperature. हिंदी मीडियम भी लिखे होंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मतलब हो गया कोई फिजिकल जैसे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो स्ट्रेन हो ठीक है ये हो गया इसका लॉ potential difference is directly proportional to the flowing current across the ends of the conductor at constant temperature. हिंदी में भी लिखा होंगे नियत ताप पर at constant temperature. हिंदी में भी लिखे होंगे नियत ताप पर किसी चालक में हिंदी में भी लिखा होंगे नियत ताप पर किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित करंट के अनुक्रमानुपाती होता है ठीक है इसको तारीफ करो हिंदी मीडियम में लिखाए होंगे कि नियत ताप पर किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित करंट के अनुक्रमानुपाती होता है. अब इसको मैथमेटिकली देखिए हम लोग लिखेंगे मैथमेटिकली हो गया दैट इज वी प्रोपोर्शनल टू आई आरोपित विभवांतर प्रवाहित करंट के अनुक्रमानुपाती या इसको हम लोग लिख सकते हैं वी बराबर आर आई वेयर जहां आर क्या है कांस्टेंट है कांस्टेंट जिसे
रेसिस्टेंस कहा जाता है, प्रतिरोध। रेसिस्टेंस कहा जाता है। अब इसका हम लोग ग्राफ अगर खींचेंगे, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ हो जाएगा कुछ इस प्रकार का। ये पोटेंशियल हो गया, ये करंट हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन में आ गया, ये ग्राफ हो गया। बता दें इसको। चलिए अब है एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ पढ़ते हैं इनका एप्लीकेशन कहां कहां होता है, एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ हिंदी हो जाएगा ओम के नियम का अनुप्रयोग। ओम के नियम का अनुप्रयोग, ओम को हम लोग कैसे उपयोग में करते हैं। देखिए पहला नंबर, सबसे पहला इसका क्या उपयोग है, इसका सबसे पहला नंबर उपयोग है इट इज वाइडली यूज्ड इन सर्किट एनालिसिस, है ना। इट इज वाइडली यूज्ड इन सर्किट एनालिसिस। इसका हिंदी हो जाएगा, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा, इसका प्रयोग सर्किट के वर्णन में किया जाता है, एनालिसिस करने में किया जाता है। इसका उपयोग सर्किट के वर्णन में किया जाता है। दूसरा लिखेगा इट इज यूज्ड इन एमीटर, मल्टीमीटर ईटीसी। इसका उपयोग एमीटर और मल्टीमीटर में किया जाता है, ठीक है। तीसरा है इलेक्ट्रिक हीटर, ओबीज ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक हीटर जो है वह ओम के नियम का पालन करती है, ठीक है। चौथा है इट इज यूज्ड टू डिजाइन रेसिस्टर्स, इसका जो है पहला नंबर है इसका उपयोग सर्किट के एनालिसिस में किया जाता है, दूसरा नंबर है इसका उपयोग एमीटर और मल्टीमीटर में किया जाता है, तीसरा नंबर है इलेक्ट्रिक हीटर ओबेज ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक हीटर जो है ओम के नियम का पालन करता है, चौथा नंबर है इट इज यूज्ड टू डिजाइन रेसिस्टर, रेसिस्टर के डिजाइन में इसका प्रयोग किया जाता है, रेसिस्टर के डिजाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। और ईटीसी लिख दीजिए, और बहुत सारा उपयोग है कंप्यूटर लैपटॉप का जो चार्जिंग है, डीसी पावर जो प्रिंसिपल उसका है वर्किंग है, उसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे ओमिक कंडक्टर,
एंड नन ओमिक कंडक्टर, हिंदी हो जाएगा ओमीय चालक एवं नन ओमीय चालक क्या है, ओमिक कंडक्टर और नन ओमिक कंडक्टर क्या है, ओमीय चालक एवं नन ओमीय चालक क्या है। एक मिनट जरा सा देख लें, ये आपका लेटर दिखता है कि नहीं दिखता है जरा सा। लेटर तो एकदम क्लियर स्पष्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। ओमिक कंडक्टर, हाँ ठीक है, लेटर स्पष्ट है। चलिए सबसे पहले ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर चलिए इसका परिभाषा लिखिएगा, वह सब्सटेंस या कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन करता है ओमिक कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। वह सब्सटेंस या कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन करता है क्या कहलाता है, ओमिक कंडक्टर। इंग्लिश में हो जाएगा दोज कंडक्टर हु ओबे ओम्स लॉ इट इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। इसका ग्राफ हो जाएगा इस प्रकार का, स्ट्रेट लाइन में, इधर हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, इधर हो गया इलेक्ट्रिक करंट, ये जो आपका हो गया ये ओमिक कंडक्टर का, क्योंकि ये ओम के नियम को फॉलो कर, स्ट्रेट लाइन में इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरा देखेंगे नन ओमिक कंडक्टर, नन ओमिक कंडक्टर सेकेंड नंबर, दोज कंडक्टर हु डू नॉट ओबे ओम्स लॉ इट इज कॉल्ड नन ओमिक कंडक्टर। इसका ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कर्व में आ जाता है, ये हिंदी में लिखेंगे पता, इसमें जो ग्राफ होगा ये कैसा होगा, कर्व लाइन होगा, कर्व लाइन वक्र रेखा। इसका हिंदी में लिखेंगे वे कंडक्टर या सब्सटेंस जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है नन ओमिक कंडक्टर कहलाता है, वे कंडक्टर या सब्सटेंस जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है क्या कहलाता है, नन ओमिक कंडक्टर। मिटा दे इसको, चलिए
देखिए एक चीज और बता दें कि फिजिक्स रटने की चीज नहीं है, सिर्फ समझने की चीज है। आप जितना समझिएगा, दिमाग में रखिएगा, उतना ही एग्जाम में आप लिखिएगा। जितना अधिक से अधिक रटिएगा एग्जाम में, उतना ही ज्यादा भूलिएगा। तो फिजिक्स जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैं पहले समझा देता हूं फिर लिखाता हूं, ये ज्यादा उचित है। अब अगला क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस क्या है? लिखेंगे किसी सब्सटेंस का वह गुण जो उसमें प्रवाहित करंट का विरोध करती है, रेसिस्टेंस कहलाता है। इससे प्रायः कैपिटल आर, बढ़िया, इससे प्रायः बढ़िया आर से सूचित किया जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस हु अपोजेज द फ्लोइंग करेंट इन ए इन कंडक्टर। है ना, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित करंट का विरोध करती है क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या होता है? वी इक्वल टू आर आई, या हम इसको अगर लिख दें R बराबर क्या, V by I। अब देखिए इस फॉर्मूला से भी रेसिस्टेंस का डिफिनेशन निकलता है। यू कैन डिफाइन द डिफिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। हाउ? लुक हियर, देखिए कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं, यहां ध्यान देखिएगा। किसी चालक के छोरों पर उत्पन्न विभवांतर, भी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित करंट के अनुपात को रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, फिर से, किसी चालक के छोरों पर उत्पन्न विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित करंट के अनुपात को रेसिस्टेंस कहते हैं। इसको इंग्लिश में लिखेंगे द रेशियो ऑफ बेटा, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लोइंग करेंट
across the ends of conductor it is known as resistance. ये थोड़ा सा लेटर देख रहे हैं, दिख रहा है कि दिख रहा है? दिख रहा है, गुड, एक मिनट, चलिए मिटा दें। अब देखिए SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का SI मात्रक क्या होता है? ओम। ओम ठीक है। हालांकि CGS में नहीं, अगर कोई पूछे दे CGS सिस्टम में, इन CGS सिस्टम इट्स यूनिट इज स्टैट वोल्ट बाय स्टैट एम्पियर। क्या है कि फॉर्मूला होता है R बराबर V बाय I, V पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका CGS यूनिट होता है स्टैट वोल्ट, I करंट है, इसका सीजनिट क्या होता है स्टेट एम्पियर, इसको स्टेट वोल्ट पर स्टेट एम्पियर भी कह सकते हैं। यह कौन सा राशि है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अदिश इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, वीमा सूत्र, इसका हिंदी में लिख रहे हैं राशि, वीमा सूत्र। देखिए चूंकि R बराबर क्या बताए V बा आई, R बराबर V पोटेंशियल डिफरेंस है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वी का फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ाए हैं, और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है ML2T-2, और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है TI। इसको क्वेश्चन पावर वन है, यहाँ पावर वन है, इसको नीचे से ऊपर करेंगे तो यहाँ पे एड हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ML2T-3 I-1। ये फुल में कवर हो रहा होगा लेकिन देख लीजिए थोड़ा सा, ये फुल भी डायमेंशन पढ़ने के लिए बेचैन है। अब क्या हो जाएगा V का पोटेंशियल डिफरेंस लिख दीजिए, V का पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या हो जाएगा ML2T-3 I-1 अब बाय क्या I। अब इसको नीचे से ऊपर कर दीजिए, क्या हो जाएगा R बराबर
एमएल टू टी माइनस थ्री आई माइनस टू। चलिए उतरिए फटाफट जल्द उतरिए। चलिए फटाफट जल्दी उतरिए। चलिए अब इसको मिटा दें। देखिए वीडियो थोड़ा सा अपलोड करने में लेट लग गया, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। कल हम रीजन क्या हो आपको 45 सेकंड का वीडियो अपलोड किया, उसमें देख लीजिएगा। और जो भी नए बच्चे बच्चियां हैं वो जो नहीं पता है उनको प्लीज आप बोल दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। उससे क्या होगा, अब डेली एक बार वीडियो अपलोड करेंगे, हो सकता है कि दो चार पांच दिन के अंदर लाइव में भी आ सकते हैं, आपसे लाइव बात भी होगा, लाइव वीडियो भी हो जाएगा। मतलब तो बता दीजिएगा चैनल नेम, याद रख लीजिए अभय यादव सबसे हल्का है चैनल नेम, स्पेस छोड़ के फ्लुएंट लिख दीजिएगा और फिर क्या लिख दीजिएगा, फिजिक्स लिख दीजिएगा। दो प्रकार का चैनल मिलेगा, कुछ कोई हमारा डुप्लीकेट चैनल भी बना लिए हैं तो टेंशन आपको नहीं लेना है। जिसमें सब्सक्राइबर अधिक है वो मेरा अपना चैनल है, और बाकी जिसमें सब्सक्राइबर कम है वो फेक चैनल है, उसको सब्सक्राइब नहीं करना है। अधिक सब्सक्राइबर वाले चैनल अपना फ्लुएंट कोचिंग का है। चलिए अब है डिफाइन वन ओम। एक ओम को परिभाषित करें। देखिए एक ओम का परिभाषा कैसे आएगा, ये आप एक ओम का परिभाषा जो है सिंपल सिंपल एकदम आप खुद बना सकते हैं। एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं, क्या आपको बताए R बराबर वी वाई, बताए R क्या है रेसिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होता है ओम, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वोल्ट, I क्या है इलेक्ट्रिक यूनिट क्या हो गया एम्पियर, यानी कि हो गया इसका डिफिनेशन जो है इस से इसका डिफिनेशन निकलेगा, क्या निकलेगा कि जब किसी कंडक्टर में एक एम्पियर प्रवाहित होता है उसमें उत्पन्न विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस एक वोल्ट होता है, तो इस प्रकार के रेसिस्टेंस को एक ओम कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसका डिफिनेशन, इसको उतार लीजिएगा, इसको डिफिनेशन लिखिएगा। लिखिए यदि किसी कंडक्टर में एक एम्पियर करंट प्रवाहित होने पर चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एक वोल्ट हो तो इस प्रकार के रेसिस्टेंस को एक ओम कहते हैं।
इंग्लिश में लिखिएगा इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर कॉजेज कॉजेज 1 एम्पियर करेंट देन दिस टाइप ऑफ रेसिस्टेंस is known as then this type of resistance is known as 1 ohm. चलिए इसको तारीफ फटाफट तो हिंदी में शायद डिफिनेशन लिखा दिए कोम का परिभाषा को पता चल गया। अब क्वेश्चन है कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस चालकता, कंडक्टेंस क्या होता है चालकता लिखेंगे। किसी चालक में पर कंडक्टेंस पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा। इसका सिंबल सी होता है, यह रेसिस्टेंस का प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम का मतलब हो गया यदि किसी चालक का प्रतिरोध हम बढ़ा देंगे तो उसका जो चालकता होगी उसकी चालकता घट जाएगी। यदि इसका प्रतिरोध घटा देंगे उसकी चालकता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। जस्ट विपरीत, यदि आर बढ़ाएंगे सी घट जाएगा, आर घटाएंगे सी बढ़ जाएगा। लिखिए क्या लिखा है, लिखिए किसी चालक में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कंडक्टेंस कहते हैं, इसे प्राय सी या कहेंगे कोई किताब में देखिएगा जी, ये भी आपको मिलेगा। इसे प्राय सी या जी से सूचित किया जाता है। इससे प्राय सी या जी से सूचित किया जाता है। अब इसका इंग्लिश में लिखेंगे कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इन ए कंडक्टर।
इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय सी या जी। हम लोग इसको मैथमेटिकली हिंदी मीडियम में भी यहां सीखेगा, सी बराबर वन बाय आर, यानी कि कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय रेसिस्टेंस। अब देखिए स्टार देखिए, इट्स एस आई यूनिट, इसका एस आई मात्रक क्या होता है, देखिए ध्यान से, इसका ऐसे मात्रक तीन चार प्रकार, दो तीन प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे वन बाय रेसिस्टेंस को वन बाय ओम भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको आप ऊपर कर दीजिएगा ओम माइनस वन भी लिख सकते हैं, या ओम माइनस वन भी लिख सकते हैं, या पर ओम ये भी लिख सकते हैं, या महो ये भी लिख सकते हैं, या साइमन एस ये भी लिख सकते हैं। चलिए उतारिए फटाफट, तो इसको जल्दी फटाफट उतारिए, तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए फिर स्टार देके लिखेंगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, या अदिश राशि है। फिर स्टार देके लिखेंगे, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, बीमा सूत्र क्या हो जाएगा, चूंकि c बराबर होता है 1 बाय आर, c बराबर 1 बाय आर क्या है, रेसिस्टेंस का आपको बताया है कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या बताए थे, ML2 T माइनस थ्री और क्या I माइनस टू, यहां कुछ है तो वन है, इसको सबको नीचे से ऊपर कर दीजिए, सी और क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर कीजिएगा सबका जो पावर का साइन है चेंज हो जाएगा, M माइनस वन, L माइनस टू, टी थ्री, आई टू। एक चीज याद रखना है, डायमेंशन में रूल एंड रेगुलेशन होता है कि डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है। फटाफट अब इसका अगला टॉपिक है रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। ये आपको याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, ये मिल जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दो नंबर का भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। तो ये हम आपको अगला टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर फिर से बता रहे कि जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो उसको प्लीज आप लोग लिंक शेयर कर दीजिएगा, और या बोल दीजिएगा अभय यादव, या उसको बता देंगे आप सीधा ए पी एच ए वाई अभय वाई ए डी ए बी यादव
फ्लुएंट FLUENT फ्लुएंट PHYSICS फिजिक्स। इस पे चैनल पे सर्च कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे सब्सक्राइब कीजिएगा तो कुछ दिन, एक दो दिन, चार दिन, पांच दिन जो लग जाए, हम लोग फिर लाइव क्लास देंगे। अभी धीरे धीरे एडजस्ट होते जा रहे हैं, सिस्टम का व्यवस्था करते जा रहे हैं। और हमारे पूर्णिया के स्टूडेंट मानस कुमार और सुपौल के श्याम, अनिल, नरेश, प्रवीण, सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर कल वीडियो, अब डेली हो सकता है कि आज शाम में वीडियो डालेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन दबा लीजिएगा, जैसे वीडियो डालेंगे आपको पता चल जाएगा। अगर आज वीडियो सब्सक्राइब की तो ठीक है, और अगर नहीं आज वीडियो अगर अपलोड किए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल वीडियो अपलोड करेंगे। डेली वीडियो अपलोड करते चले जाएंगे, ठीक है। स्टे होम, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और दाढ़ी भी बना लेंगे जब घर से निकलेंगे तो, ठीक। धन्यवाद।